आपके साथ मैं हूँ क्रांति सिंह। एक तरफ मौसम में गर्मी का उबाल देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की राजनीति में भी उबाल देखने को मिल रहा है। इन दिनों पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल की तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं, जिनमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की भागीदारी देखने को मिली। चलिए आपको पाकिस्तान के हलचल की नई तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल पाकिस्तान में एक बार फिर से सियासी संकट तेज हो गया है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ की सरकार को हटाने के लिए 25 मई से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। उधर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चेतावनी दी है कि इमरान खान देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं और देश उन्हें माफ नहीं करेगा। आपको बता दें कि एक तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए शहबाज शरीफ को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने राजधानी इस्लामाबाद को घेरने के लिए न केवल आम जनता से बल्कि सैनिकों के परिवारों से भी सड़क पर आने का आह्वान किया है। पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने रविवार को घोषणा की कि देश की असली आजादी की लड़ाई के लिए इस्लामाबाद की ओर से उनकी पार्टी का लंबा मार्च 25 मई से शुरू होगा। पेशावर में एक संवाददाता सम्मेलन में पीटीआई के नेतृत्व वाले इमरान खान ने कहा कि आज हमने अपनी कोर कमेटी की बैठक की और निर्णय लिए। सबसे बड़ा सवाल ये था कि लंबा मार्च कब शुरू होगा और इसमें तय हुआ कि यहाँ से शुरू होगा। हम यहाँ कैसे पहुंचे इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देना चाहता हूँ। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि अमेरिका से पाकिस्तान के खिलाफ एक विदेशी साजिश थी। इस शासन परिवर्तन में उन्होंने स्थानीय लोगों को सबसे भ्रष्ट लोगों का इस्तेमाल किया, जो अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किसी भी साजिश का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उससे हर कोई शर्मिंदगी महसूस करता है। शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि इमरान खान देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान नियाजी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं और लेकिन ये गलती कर रहे हैं। इस पाप के लिए देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए क्यों पाकिस्तान सेना को बुलाया जाएगा, इस सवाल पर शहबाज शरीफ टेंशन में आ गए और कहा कि जब जरूरत होगी संबंध में फैसला लिया जाएगा। बहरहाल इस दौरान शहबाज शरीफ ने पूर्ववर्ती इमरान खान सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि देश के विकास पर काम करने के बजाय पीटीआई नेता अपने पूरे कार्यकाल के दौरान राजनीतिक प्रतिशोध में व्यस्त रहे। शरीफ ने कहा कि इमरान का एकमात्र फोकस अपने विरोधियों को घेरने की ओर था। इमरान ने ना तो अस्पताल बनवाए और ना ही सड़क। उन्होंने कहा कि इमरान खान के पास विरोधियों के खिलाफ गालियां देने के अलावा कोई भी काम नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में तापमान और कितने उछाल पर जाएगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।